हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश इन इंग्लिश टुडे आई विल डिस्कस फोरटीन चैप्टर इन योर बुक मेरी गोल्ड ओके विच वन इज़ अ पोयम एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ काइट इट मींस एक पतंग ओके काइट मतलब तो सबको पता है ना क्या होता है पतंग यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये काइट बनी है ना सो नाउ आई विल रीड दिस पोएम एंड यू ऑल लिसन केयरफुली एंड रिपीट विद मी I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow. इसमें क्या है एक बच्चा है जो अक्सर सोचता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो सोच रहा है कि अगर मैं एक पतंग होता ठीक है तो मैं आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ता एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो और जो तेज़ हवाएं चलती हैं मैं उसके ऊपर से दौड़ते हुए यानी कि राइड करते हुए जाता विच एवर वे आई चांस टू ब्लो जिस तरफ भी मुझे उड़ने का मौका मिलता ठीक है सो so, इसकी समरी देखते हैं एक बार इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है एक बच्चा है जो अक्सर बैठ के ये सोचता है कि अगर मैं एक पतंग होता है तो मैं आसमान में बहुत ही दूर तक उड़ता और जितनी भी तेज़ हवाएं चलती हैं मैं उनको पार करते हुए दौड़ते हुए जाता जिस रास्ते में भी मुझे जाने का मौका मिलता मैं उसी तरफ बहुत ही तेज़ी से उड़ता ओके सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट न्यू वर्ड्स तो चलिए हमने देखते कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे हैं सबसे फर्स्ट है इसमें बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो ब्लो मतलब होता है बहना ठीक है फिर नेक्स्ट है इसमें बी आर डबल ई जेड ई ब्रीज ब्रीज बोलते हैं जो तेज़ हवाएं चलती हैं ना उन्हीं को ब्रीज बोलते हैं फिर है सी एच ए एन सी ई -E डी चांसड चांसड मतलब होता है मौका मिलना ओके फिर है के आई टी ई -E, काइट काइट मतलब तो सबको पता है ना क्या होता है पतंग है ना फिर लास्ट है इसमें एस आई टी सीट सीट मतलब होता है बैठना ओके सो so, ये थे इस पोयम के न्यू वर्ड्स आप लोग भी पोयम रीड करिए न्यू वर्ड्स भी रीड करिए ओके थैंक यू हैव अ ग्रेट डे